फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे टीसी 544 पे टेम्परेचर का और हीटर का कंट्रोल के कनेक्शन विद पैरामीटर, इसका समझाइए। तो आज इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो ये मेरे पास कंट्रोलर है टीसी 544। अब हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने RTD के कनेक्शन किए हैं। ये देखिए आप, 6, 7, 8 में RTD के कनेक्शन किए हैं और ये SSR की आउटपुट मैंने लगाई है यहाँ पर 11 नंबर और 12 नंबर में। जो इसकी आउटपुट है SSR फ्रेंड्स, वो 12 वोल्ट है। इस कंट्रोलर की आउटपुट 12 वोल्ट है SSR के लिए, तो 11 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव ये मैंने दी है आउटपुट SSR को। ये हमारी SSR है, इसकी इनपुट DC वोल्ट है, 3 to 32 वोल्ट DC। ये लिखा है देखिए यहाँ पर, ये इनपुट है। हम इनपुट में कनेक्शन करेंगे इधर, जो अगर हमने आपको बताया कंट्रोलर के आउटपुट और ये SSR के इनपुट में हो गए प्लस और माइनस। ये लिखा है प्लस और माइनस इनपुट। और आउटपुट्स की बात करें तो एक तरफ हमने डायरेक्ट फेस दे दिया है एक नंबर में, और जब भी ये SSR ऑन होगी तो हमारा 2 नंबर से फेस निकल जाएगा और ये हीटर को चल जाएगा। तो ये हीटर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें हीटर लगाया हुआ है। ये ऐसा हीटर है, मैं दिखा दूँ, पेंसिल टाइप हीटर है ये, और हीटर है मेरे पास। तो ये मैंने हीटर इसके बेस में अंदर कनेक्ट किया हुआ है और साथ में ये RTD लगाई हुई है जिससे कि टेम्परेचर का पता चले। तो अब हम मैं इसको ऑन करता हूँ और फ्रेंड्स दिखाता हूँ आपको पैरामीटर आपको क्या क्या सेट करने हैं। तो अभी हम ऑन करते हैं, देखिए मैंने अभी उसको ऑन किया है। देखिए अभी फ्रेंड्स, अभी हमारा ना, अभी मैंने थोड़ा ऑन किया था इसको, तो इसका टेम्परेचर पहुंच गया है, 43 पहुंच रखा है। तो अभी इसका टेम्परेचर जो है, अब मैं दिखा दूँ हमें सेट क्या क्या करना है। तो हम डाउन की प्रेस करके रखेंगे, डाउन की प्रेस करता हूँ। देखिए ये सबसे पहले इनपुट आ गया। अगर आप RTD लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको RTD करना पड़ेगा। अगर हम थर्माकोपल लगा रहे हैं तो ये सिलेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज का वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, ये एंटर को दबा के रखेंगे और ऊपर नीचे से ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये एस टाइप RTD, ये थर्माकोपल, ये एस टाइप, ये सब टी टाइप है, के टाइप, कौन सा टाइप थर्माकोपल है, इसको प्रेस करके इससे चेंज करेंगे। तो अभी RTD है तो हमने RTD पे लगा दिया। अब आगे चलते हैं, और क्या है इसमें, इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको। ये यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये इसका लो की रेंज है, इसकी सेट पॉइंट लो की और हाई की। इस रेंज से फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप चेंज कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। और ये 850 ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम रेंज है ये RTD की। और इसके बाद हमें क्या चेक करना है, ये आपका रिवर्स है फ्रेंड, एक्शन आपको रिवर्स लेना है या फॉरवर्ड लेना है, आपको आपके एप्लीकेशन के हिसाब से है कि हीटर आपको बंद करना है उस टाइम पे, सेट पॉइंट पे, या ऑन करना है। तो फॉरवर्ड रिवर्स का ये ऑप्शन है, इसको चेंज कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से। आगे चलते हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये कंट्रोल है, कंट्रोल आपको PID में करना है या ऑन ऑफ में करना है, ये ऑप्शन है। तो अभी मैंने इसको PID सेलेक्ट कर रखा है, ये देखिए मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये ऑन ऑफ में हो जाएगा। ऑन ऑफ में या तो ऑन करेगा या ऑफ होगा, तो इससे टेम्परेचर हमारा इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता। तो हम इसको PID में रखेंगे। PID में रखने के बाद आगे चलते हैं, आउटलेट, ये इसका आउटपुट है। हमें आउटपुट रिले लेनी है या SSR लेनी है। अगर आप हीटर की बात कर रहे हैं, आपको हीटर चाहिए, तो हम इसको SSR में आउटपुट देंगे। SSR के आउटपुट से ही हम हीटर को आउटपुट देते हैं। तो SSR लगानी पड़ेगी आपको, एक जो मैंने यहाँ पर लगा के दिखाई है। तो यहाँ SSR आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप SSR नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ रिले का ऑप्शन भी है, इसकी रिले भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर की। तो हमने अभी SSR लगाया है, तो यहाँ पर आउटपुट SSR ही सेलेक्ट कर दिया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है सर आपको। और हीट कोल्ड ये नो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्शन हो गया आपका, एक्शन 2 है, 2 की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक नंबर पे ही ले रहे हैं, एक ही रिले ले रहे हैं। तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं छेड़ना, बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा यही जो इसमें है। अब मैं इसको बाहर आ जाता हूँ, बाहर आने के लिए वही डाउन की प्रेस करके रखूँगा तो बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया, और अगर मैं अप की को दबाऊँगा तो हम इसके PID में चले जाएंगे। ये ट्यून आ गया, ट्यून के बाद ये P की वैल्यू आ गई। ये आपको जिस हिसाब से PID सेट करनी है, टेम्परेचर फास्ट एक्शन करना है या स्लो करना है, ये उसकी वैल्यू है। P की वैल्यू होगी, I की वैल्यू होगी,
डी की वैल्यू हो गई, जरूरत नहीं आपको हिस्टेरेस वगैरह, ये उसके लिए है फ्रेंड्स जब आप ऑन ऑफ की बात करेंगे, हिस्टेरेस उसके लिए है। बाकी इतना ही है इसमें, मैं इसको दबा के रखूँगा तो बाहर आ जाएंगे अपनी वो, ये मैं बाहर आ गया हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स 49 टेम्परेचर आ रहा है इसका, अभी इसका जो हीटर का टेम्परेचर है, ये हीटर लगा है यहाँ पर, इसका टेम्परेचर अभी 49 है, ये मैंने ऑन किया था, ये थोड़ा गर्म है अभी, ये 8 डिग्री लगी है, तो ये हमारा हीटर है, इसका ये 8 डिग्री लगी है साथ में टेम्परेचर के लिए। तो ये हमारी SSR है, ये देखिए अभी SSR की जब भी आउटपुट आएगी तो यहाँ LED जल जाएगी और हमारे ये फेस यहाँ से निकल कर यहाँ हीटर को जल जाएगा। हीटर को न्यूट्रल फ्रेंड्स मैंने ये डायरेक्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं ये हीटर का न्यूट्रल के लिए, ये न्यूट्रल मैंने यहीं से दे रखा है इंडिकेटर से इसको, और फेस आपका यहाँ पे कॉमन में हमेशा दे के रखेंगे और यहाँ से आउटपुट जो हीटर को देंगे। अब जब भी ये ऑन होगी ये LED जल जाएगी और हमारा सप्लाई पहुँच जाएगी। इसके साथ साथ ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर की जो ये एक नंबर लिखा है, एक नंबर आउटपुट हमने यूज़ की है, ये तभी ऑन होगी जब हमारा सेट पॉइंट से टेम्परेचर कम आएगा। अभी हमारा सेट पॉइंट देखते हैं, सेट पॉइंट की बात करते हैं, सेट पॉइंट 1 हमने लिया है इसमें सेट पॉइंट। अब सेट पॉइंट कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए आप, इसको एंटर करेंगे, ये एंटर करके रखेंगे दबा के, ये दबा के रखेंगे तो सेट 1 आ गया है, इसको प्रेस करके रखेंगे हमेशा जब चेंज करना हो तो। 36 है तो हम इसको बढ़ाते हैं अभी, इससे मैं आप की से बढ़ा रहा हूँ अभी इसको, मैं इसको 55 कर देता हूँ, ये मैंने छोड़ दिया। अब सेट पॉइंट ये नीचे आ रहा है 55, देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इसने ऑन कर दिया यहाँ पर, ये देखिए अभी ये बीच में ये देखिए इसने SSR को ऑन कर दिया, और ये रेगुलर ऑन इसलिए नहीं करती कि रेगुलर ऑन कर दिया, अभी हमने PID भी लिया है, रेगुलर ऑन कर देंगे टेम्परेचर बहुत हाई चले जाएगा, तो वो धीरे धीरे ऑन करेगा उसी हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल, जिससे कि 55 के आसपास ये रुकने लगे। ये देखिए यहाँ पर भी इसकी आउटपुट दिखा रही है, जब भी यहाँ पर आउटपुट आएगी तभी यहाँ पर आएगी सेम, ये देखिए इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, ये देखिए अभी क्या है हमारी सप्लाई पल्स के रूप में हीटर को जा रही है। अब इसका टेम्परेचर देखिए यहाँ 50 है तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अभी ये देखिए फ्रेंड्स बढ़ना शुरू हो गया है, 50 से 51 हो गया है, ऐसे ये जब 55 के अबव चले जाएगा तो हमारा ये आउटपुट जो है कट हो जाएगी, सप्लाई नहीं आएगी हीटर को। थोड़ा सेट पॉइंट इसका कम कर देता हूँ फ्रेंड, नहीं तो थोड़ा टाइम लग रहा है जैसे, तो मैं 53 कर देता हूँ इसका सेट पॉइंट, 53 कर दिया मैंने अभी, देखिए 52 पहुँच गया है टेम्परेचर और 53 सेट पॉइंट है, जैसे ही 53 पे से अबव चले जाएगा 54 के अबव तो ये पल्स डाउन होगी, पहले तो डाउन होनी शुरू हो जाएगी मतलब कम टाइम में, और फिर एक टाइम के बाद ये बंद हो जाएगी। हो गया अब ये दोनों मैच कर गए हैं टेम्परेचर, अब सिर्फ इसको कंट्रोल रखने के लिए इसको पल्स दे रहा है, जब 1-2 डिग्री और बढ़ गया तो ये बिल्कुल बंद कर देगा इसको। देखिए अभी ये कम कर दिया इसने, इसने ये दिखाया कि आपका टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग पहुंच गया है, और ये आपका अलार्म भी दे रहा है, और यहाँ ये आपका आउटपुट है एक नंबर, देखिए अब 54 चले गया टेम्परेचर अबव चले गया, तो इसकी आउटपुट ये है कम कर देगा आप, देखिए अब इसकी देखिए इसने पल्स बिल्कुल ब्लिंक करनी शुरू कर दिया, देखिए ध्यान दीजिए पहले जैसे सॉलिड आ रही थी अभी तुरंत के तुरंत कट जा रही है। तो ये था हमारा कंट्रोल करने का तरीका, अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स कमेंट करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।